हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, आज हम करेंट अफेयर्स का जो बात कर रहे हैं उसमें हम 67th बीपीएससी और जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी अभी कम्पटिटिव एग्जामिनेशन अगर हो रहा है तो उसके अंदर जो करेंट अफेयर्स होता है उसके करेंट अफेयर्स को हम लेकर आए हैं। उसमें है जो आपका नेशनल इंटरनेशनल्स, और वही चीज़ लेके आए हैं जो इम्पोर्टेंट्स है, जो उम्मीद लग रहा है कि क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं दोस्तों, आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स का कोई ना एंड है ना स्टार्ट है उसका, कहीं से भी करंट अफेयर्स बनता है। तो मेरी ये कोशिश है कि 10 बुक जो मैगजीन्स हैं, पेपर्स हैं, वहाँ से उठाकर जो इम्पोर्टेंट्स ऐसा लग रहा है कि ये पूछने वाला है वही चीज़ को है जो हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी तो आप पढ़ ही रहे हैं खुद, लेकिन मुझे जो इम्पोर्टेंट्स लग रहा है, जो मैंने कोई भी क्वेश्चंस पूछने के पीछे रीजंस होता है, या तो वर्तमान घटनाएं जो पहले से जुड़ी हुई हो, या कोई नया स्टार्ट हुआ हो, या किसी के कार्यकाल को पूरा कर चुका हो। तो एग्जामिनेशन जो सेट करते हैं क्वेश्चंस, ये दिमाग में रहता है कि यही 3 ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको लेकर क्वेश्चन है जो सेट किया जाता है। तो हम उसी बात को लेकर है जो आगे बढ़ेंगे, और कुछ नया चीज होगा तो है जो उसमें डालने का प्रयास करेंगे। चलते स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला है राज्य सुरक्षा सूचकांक है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है। क्या है? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, इसलिए है कि इस क्राइसिस के समय में खाद्य सुरक्षा बहुत, फूड सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था। आप जब मेंस में पढ़िएगा तो फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ी चैप्टर्स है, और खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में इसलिए इंपॉर्टेंट लगा कि अभी वर्तमान समय में बहुत भारी योजनाएं हैं जो भारत सरकार की चल रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। मैं साथ में बहुत सारी योजनाओं को जोड़ते जाऊंगा, आप भी उसको है जो नोट डाउन करते जाइएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना जो है, ये है जो दोस्तों खगड़िया से स्टार्ट हुआ था, और खगड़िया के तेलीहार से है जो समाप्त स्टार्ट हुआ था, और है जो मार्च 2022 तक इसे है जो बढ़ा दिया गया है। तो इस मुद्दे जो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, इसीलिए मैंने है जो इस चीज को लिया। मैं रीजंस भी बताते चलूंगा कि क्यों ये क्वेश्चंस को उठाया गया है, तो मैं उसके चलते हैं जो इस क्वेश्चंस को उठाया हूँ। और इसमें है जो फर्स्ट स्थान पे गुजरात है, और है जो 20वां स्थान है जो बड़े राज्यों में वो है जो बिहार है। बिहार हमेशा है जो नीचे की स्थिति में रहा है, तो आप है जो निश्चित रूप से देखिएगा कि यहाँ भी बिहार है जो नीचे है। छोटे राज्यों की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो गोवा और मिजोरम, ये जो गोवा है जो प्रथम स्थान पे है और मिजोरम है जो लास्ट स्थान पे है। केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात करें दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर एंड लक्षद्वीप है। ये है जो आपको राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी, और दूसरा चीज की रटने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े राज्यों में तो गुजरात, अंतिम स्थान पे बिहार है। छोटे राज्यों में गोवा, और उसके बाद छोटे सबसे अंतिम पे मिजोरम है। केंद्र शासित में जम्मू कश्मीर एंड लक्षद्वीप है। आप बताइएगा दोस्तों कि अभी कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, कमेंट बॉक्स में है जो जरूर लिखाइएगा, और बताइएगा कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जो कब बना। ये नहीं हम पूछ रहे हैं कि 370 कब हटाया गया, केंद्र शासित प्रदेश है जो कब बना, ये है जो कमेंट बॉक्स में आपको दिखाना है, बताना है कि कब बना, ये है जो आपका रहा। निश्चित रूप से आप जब हमारे साथ लिखिएगा और जब कमेंट कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आप है जो पता चलता है कि आप है जो कितना सिंसियर है, और है जो इम्पोर्टेंस कितना है जो दे रहे हैं आप इस वीडियो को, उससे है जो पता चलता है। तो निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट और बहुत ही अच्छा मटेरियल है जो हम लेकर आएंगे, जो आपको बीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो राज खाद्य सुरक्षा सूचकांक ये है जो दोस्तों किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो FSSAI फूड जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा चालू किया। इसकी स्थापना है जो दोस्तों 2011 में किया गया था। इससे रिलेटेड एक फैक्ट्स आप बताते हैं दोस्तों, कि जो NFS है, नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 है जो लाया गया था, कि विश्व की सबसे बड़ी खाद्य गारंटी देने वाली योजना जो है, ये है जो NFS है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 है जो लाया गया था। तो इससे जितना भी रिलेटेड चीज है जो हम आपको देते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे। और है जो एक और चीज बताते हैं कि ट्रांस फैट को है जो
5% से 2% करने का है जो लक्ष्य है, जो रखा गया है कि ट्रांस फैट को 5 से 2% है जो किया जाएगा। तो यह है जो दोस्तों राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में है, जो आप बड़े राज्यों की स्थिति में गुजरात है और बिहार है। रटना नहीं है, समझ जाना है, मैप में देखना है कि गुजरात कहाँ है, पश्चिम एरिया में है, फिर बिहार कहाँ है, तो वह है जो मैप में देखना है। तो निश्चित रूप से आप जब मैपिंग कीजिएगा तो आप है जो ध्यान रहेगा, छोटे राज्यों में गोवा कहाँ है तो नीचे में है, मिजोरम कहाँ है तो आप है जो नॉर्थ ईस्ट में है। तो निश्चित रूप से आप है जो ये सब चीज देखते रहिएगा तो निश्चित रूप से याद रहेगा कि शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर एंड लक्षद्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वाटर प्लस, एक वर्ड आया दोस्तों वाटर प्लस, जो जहां पर है जो पानी है जो अधिकतम मात्रा में है जो दिखाया गया है कि हमारे यहाँ पानी है जो बहुत अच्छा है, एक अच्छा कंसेप्ट है। प्रतिस्पर्धी लोकतंत्र की बात किया जाए, प्रतिस्पर्धी संघवाद की बात किया जाए, तो निश्चित रूप से है जो राज्यों के बीच में अगर प्रतिस्पर्धा होती है तो कहा जाता है कि राज्यों में उसके गुणात्मक परिवर्तन आते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं। उसके संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब हो गया कि अपने विकास के लेकर संरचनात्मक परिवर्तन करते हैं। तो वाटर प्लस वाला है जो कौन सा शहर है, तो इंदौर है जो वाटर प्लस वाला शहर है। तो भारत का प्रथम वाटर प्लस वाला शहर कौन है, तो इंदौर है। अब इसी के कंसेप्ट में एक वाटर विला आया है। वाटर विला जो है दोस्तों एक कंसेप्ट मालदीव से है जो उठाया गया था, मालदीव है जो सबसे पहली बार इसको लाया था, वर्ल्ड में सबसे पहले मालदीव, और भारत में है जो लक्षद्वीप है जो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है जो इसको वाटर बिरला को है जो लाया है। और ये प्रथम जो लक्षद्वीप है दोस्तों, ये तो वाटर बिरला से रिलेटेड है, और लक्षद्वीप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला है जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो कौन है जो लक्षद्वीप है। तो हम लक्षद्वीप से दो क्वेश्चन बनाए, एक वाटर बिरला एक ऑर्गेनिक फार्मिंग, कौन है प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का है जो लक्षद्वीप है। अगर राज्य की अगर बात किया जाए दोस्तों तो सिक्किम है जो फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग का है जो स्टेट है। अगर बिहार की बात किया जाए दोस्तों तो केडिया गांव है जमुई में, उसको है जो फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग विलेज है जो नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग विलेज नाम दिया गया था। और एक है दोस्तों कि बिहार के 13 जिलों में जो गंगा के किनारे, जो गंगा जब यहाँ से जब यहाँ बिहार से जब है जो बक्सर से चौसा के पास क्रॉस करती है तो 12 जिले से होकर गुजरती है यहाँ, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला डिस्ट्रिक्ट है। तो 12 जिला तो जो गंगा से गुजरती हो है जो, और इसमें है जो एक जिला और ऐड कर दीजिए तो 13 जिला है जो बिहार में जैविक कॉरिडोर बना रहा है। क्या बना रहा है, जैविक कॉरिडोर बना रहा है। मैं इसीलिए कंसेप्ट को जोड़ते जा रहा हूं कि आप है जो भूरे नहीं, अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आप उसे है जो निश्चित रूप से है जो आपके दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ यहां तक है जो कुछ क्वेश्चंस बोला गया था। तो हमने सब चीज को जोड़ने का प्रयास किया हूं कि जैसे ही 12 जिला है तो 12 जिला से तो बिहार में गंगा गुजरती है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात किया जाए तो 13 जिला है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा है जो गंगा है जो 99 किलोमीटर पटना से, और है जो 97 किलोमीटर है जो भागलपुर से गुजरती है। समझ गया दोस्तों, तो यह है जो कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं इसको जोड़ने का है जो प्रयास किया था। आगे बढ़ते हैं, अब इंदौर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण जो हुआ था, इस बार जो रिपोर्ट आया उसमें 5वीं बार इंदौर है जो लगातार बाजी मारा है। तो बहुत ही अच्छा बात है कि भाई स्वच्छता सर्वेक्षण में अगर इंदौर 5वीं बार है तो इससे बहुत सारे जो शहर है उसको सीखना चाहिए कि किस तरह से इंदौर ने अपना है जो पूरा कंट्रोलिंग है जो उसके ऊपर है जो अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट पदार्थ को लेकर है जो किया है, कैसे है जो काम करता है, तो एक है जो सोचने वाली बात है। और हमारा स्वच्छ भारत अभियान का जो लक्ष्य है कि हमें है जो निश्चित रूप से है जो जीडीपी पे अतिरिक्त बोझ जो बढ़ता है स्वच्छता नहीं होने के कारण, उसको है जो कम किया जा सके। तो मेंस के पार्ट को भी जोड़ते जाना है और हमें है जो इस तरह से लिखना है। तो ये कौन स्वच्छता सर्वेक्षण जारी करता है दोस्तों, तो शहरी एवं आवास मंत्रालय के द्वारा है जो जारी किया जाता है। स्वच्छ राज्य की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ है, स्वच्छ राज्य में जो छत्तीसगढ़ है। बिहार का 44वां स्थान है जो पटना है, और है जो इसके पिछले बार जो हुआ था उसमें 48वां स्थान था, तो उसको भी है जो हमें जो साथ में रखेंगे। बिहार में स्वच्छ गंगा शहर की अगर बात किया जाए तो वाराणसी फर्स्ट स्थान पर और पटना अपना है जो दूसरे स्थान पे है जो है जो इसमें है जो स्वच्छता सर्वेक्षण में है जो लाया गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था तो इसको ऐड कर दिए हैं। तो अब फीडबैक वाला जिला आप जानते हैं बिहार का, तो सुपौल है जो बना है जो फीडबैक वाला जिला है। तो बहुत अच्छा है कि बिहार भी है जो अपनी प्रगति, अभी हाल फिलहाल में आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि नीति आयोग के रिपोर्ट्स पर बिहार के भूपेंद्र यादव जो है उन्होंने नीति आयोग को पत्र लिखा है कि इस जो आपकी जो जो फॉर्मेट है
ये रैंकिंग करने की कहीं ना कहीं है जो इसमें है जो बिहार के जो वर्तमान स्थिति है उससे है जो मैच नहीं खाता है। तो एक राजनीतिकरण की बात हो गई, उससे हमें नहीं लेना है, लेकिन जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट्स आया उस रिपोर्ट्स पे है जो हमें रहना है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट था, वाटर प्लस और वाटर बिला। एक क्वेश्चन पूछ सकता है और देख लीजिएगा, एकदम 100% हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस को पूछने जा रही है बीपीएससी। बीपीएससी की नस कहाँ है उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए, वो क्या 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 है जो क्वेश्चंस को सेट सेट करता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जालियांवाला हत्याकांड शताब्दी वर्ष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बहुत दर्दनाक घटना थी। और इसको बताइएगा कि किनके विरोध में यह जो जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, और है जो बहुत बड़े पैमाने पर है जो इसकी है जो भर्त्सना भी की गई थी उसके समय, उस समय भी यह जो भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े हुए थे। तो दोस्तों ये 13 अप्रैल 2019 से 13 अप्रैल 2020 तक एक ईयर का है जो इसको मनाया गया है, और भारत सरकार ने 1951 में इसे राष्ट्रीय स्मारक है जो घोषित कर दिया था। इसके लेकर दो कमिटियां बनी थी दोस्तों, एक कमिटी है जो भारतीय थे और एक है जो ब्रिटिश बनाया था। तो एक आप बताइए, हम तो एक बता देते हैं कि हंटर कमीशन था, एक हंटर कमीशन एक बना था, और दूसरा है जो मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनाया गया था, उसका नाम क्या है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सी कमीशन है जो उनके द्वारा, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा है जो बनाया गया था इसको लेकर, जालियांवाला हत्याकांड जो शताब्दी वर्ष मनाया है उसमें जो क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सुन अभियान एक है जो चलाया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा और रॉक माउंटेन इंस्टीट्यूट के द्वारा है जो सुन अभियान है जो चलाया जा रहा है। यह है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सुन अभियान, यह है जो आप है जो निश्चित रूप से है जो नया क्वेश्चन है, यह है जो पर्यावरण से रिलेटेड है। तो आप है जो नीति आयोग प्लस RMI बने रॉक माउंटेन इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाया जा रहा है, और नीति आयोग की स्थापना है जो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो PM होते हैं, और उपाध्यक्ष जो हैं अभी राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार है, और CEO है जो अमिताभ कांत है। तो ये सब चीज़ है जो आप है जो जानते हैं, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीति आयोग है जो बॉटम टू टॉप काम करता है, और इसका जो इम्पोर्टेंट है थिंक टैंक के रूप में काम करता है। और भारत ये जो है नीति आयोग का जो प्रारूप का जो स्टार्टिंग जो होता है वो चाइना के एक प्रोटोटाइप है उससे है जो उठाया गया है, लेकिन ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि चाइना ने, चाइना की थिंक टैंक कमिटी का नाम है जो उस तरह से वहाँ है जो रखा था उसी को है जो भारत ने है जो कॉपी किया है। हमने कहीं पढ़ा था इसीलिए बता रहे हैं, इसकी पुष्टि है जो हम नहीं कर रहे हैं। समझ गए है कि बहुत सारी बातें हो जाती है लेकिन इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था हिंदुस्तान द टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें है जो चीज़ लिखा हुआ था कोट करके मैंने इस चीज़, इसीलिए आपको मैंने बताया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है कि रामसर साइट्स, ये सब क्वेश्चंस बीपीएससी का फेवरेट एंड लवर क्वेश्चन इसको बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन से बाहर बीपीएससी कभी सोच ही नहीं सकता है। समझ गए, रामसर साइट 47 हो गया है, 46 था, एक और है जो रामसर साइट बढ़ा है, ये है जो यूपी में बढ़ा है, हैदर करके, हैदरपुर या हैदर ऐसे करके नाम है, आप उसको देख लीजिएगा। अभी मुझे थोड़ा ध्यान नहीं लेकिन 100% हैदर का हाँ से कुछ ही नाम है उसका। 47 रामसर साइट्स हो गए। ये ईरान का एक जगह है दोस्तों रामसर्स, वो है जो रामसर्स सबसे पहले है जो वहीं है जो इसके लेकर है जो चर्चा हुई थी। भारत है जो इसमें है जो 1982 में है जो शामिल हुआ था, भारत 1982 में है जो शामिल हुआ था। और है जो बिहार से रिलेटेड अगर पूछ दे तो बिहार का बेगूसराय जो कांवर झील है जो 39 है जो यह है जो अपना रामसर साइट्स में है, तो इसको है जो ध्यान रखिएगा। रामसर साइट नम भूमि को बोलते हैं, नम भूमि एक है जो जहाँ दलदली और नम भूमि होता है उसको है जो रामसर साइट्स बोला जाता है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सो होता है ये। तो कब शामिल हुआ था, 1982 में जो भारत शामिल हुआ था रामसर में, और रामसर से जो ईरान में है, ये क्वेश्चन से जो पूछ सकती है। इससे पहले है जो कौन था जो थोल और बंधावन जो था गुजरात का था, और दो हरियाणा का था, उसमें है जो एक आपका सुल्तानपुर और दूसरा है भिंडावास। तो आप है जो उस चीज़ को आप रिपीट कीजिएगा तो आप है जो याद हो जाएगा। तो हमने चार बता दिया और एक अभी हुआ तो 47 हो गया है। चलिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में है जो 40वां है जो धौलावीरा है, ये है जो दोस्तों सबसे बड़ा, गुजरात में तीन है जो हड़प्पा के हैं, एक है जो धौलावीरा है, दूसरा है जो आपका रंगपुर है, और एक और है
जो तीन है, और सबसे बड़ा है जो उसमें जो धौलावीरा है उसको है जो इस बार शामिल किया गया। और यह जो तीन धौलावीरा जो है यह से लिपस्टिक चन्हुद्रो से मिला है, लिपस्टिक नहीं, यहाँ पर है जो एक जलाशय उस समय जो मिला था, इसके जो तीन क्रम में है जो उसको बांटा गया, प्रथम मध्य और नीचे, उसको तीन क्रम में विभाजित होने वाला है जो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा था, तो धौलावीरा है। इसके तीन पार्ट है जो इसको बताया गया है, एक ऊपर, एक बीच वाला और एक लास्ट वाला तीन। और जलाशय की इसकी है जो व्यवस्थाएं हैं जो बहुत अच्छी थी धौलावीरा की, तो आप है जो गुजरात के सबसे बड़ा है जो हड़प्पा का है, जो गुजरात का है, ऐसे है जो पूरे हड़प्पा का अगर बोला जाए भारत में, तो राखी गढ़ी है जिसके स्थापना है, जो जिसकी खोज है जो सूरजमल के द्वारा जो किया गया था, जो आपके हरियाणा में है जो राखी गढ़ है। अच्छा, विश्व विरासत सूची में बिहार से अगर हम बात करें तो 2002 में महाबोधि मंदिर को और 2016 में नालंदा महाविहार को है जो इसमें ऐड किया गया था। तो नालंदा महाबोधि मंदिर अगर बात किया जाए तो है जो गुप्त काल में है जो बनाया गया था दोस्तों, और ये है जो जो अभी जो वर्तमान में जो वहाँ एक पेड़ है, पीपल का पेड़ है, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो है जो चतुर्थ पीढ़ी का है। अगर कहीं कहीं आप पांचवी पीढ़ी का ही पढ़ते होंगे, लेकिन आप बिहार सरकार के वेबसाइट पे जाइएगा तो चतुर्थ पीढ़ी का ही है जो उसमें है जो बताया गया है। तो क्वेश्चंस ब्लैक लिस्टेड कर दिया है बिहार बीपीएससी ने, ये विवादित क्वेश्चन था इसीलिए ब्लैक लिस्टेड उसको किया है। ये क्वेश्चन है जो पूछने की संभावना नगण्य के बराबर है। तो 2016 में नालंदा महाविहार। जैव विविधता विरासत स्थल की अगर बात किया जाए तो अभी हाल फिलहाल में अम्बोली महाराष्ट्र में एक जगह है, उसको जैव विविधता है जो विरासत स्थल घोषित किया। आप बताइएगा कि जैव विविधता है जो कब मनाया जाता है, आप है जो इसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैव विविधता, जैव विविधता सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, ई भी है जो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सौर पार्क और सौर पावर प्लांट, यह दो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट इस बार का लगा दोस्तों, कि जो सौर पार्क है, जो भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है, यह है जो भांदला में है जो राजस्थान के पास है, और उसके जस्ट माने बहुत कम अंतर है, माने दोनों के बीच में जो एरिया है उसका कम अंतर है। और दूसरा है जो कक्ष का रन है जो अभी है जो बनाया जा रहा है, यह अभी है जो बन रहा है, और भांदला ये जो करीब करीब है जो बन चुका है। तो सबसे बड़ा है जो सौर पार्क कौन है, जो भांदला है राजस्थान में, लेकिन कक्ष का रन भी है जो सुन रहे हैं कि इससे ज्यादा है जो भांदला से है जो पार कर जाएगा। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन से, लेकिन है जो इसकी जो विकिपीडिया के अनुसार है जो अभी है जो यह जो बड़ा घोषित नहीं किया है, अभी यह जो भांदला को ही दिखा रहा है। तो आप है जो इसको एक बार आप है जो क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा मेरे अनुसार से। सौर प्लावित पावर प्लांट, भारत का सबसे बड़ा सौर प्लावित प्लावित जो इसको फ्लोटिंग सोलर फ्लोटिंग पावर पॉइंट बोलते हैं, वो है जो सिमहाद्री में है, जो विशाखापत्तनम के पास है, जो एनटीपीसी के द्वारा है जो बनाया जा रहा है, और 25 मेगावाट का है। अगर हम वर्ल्ड में बात करें सौर प्लावित पावर प्लांट का, तो सिंगापुर में है जो सबसे बड़ा है। अगर हम बिहार में बात करें तो दरभंगा एंड सुपौल में है। तो है जो ये क्वेश्चन है, जो इसे क्वेश्चन है जो बहुत ही क्वीन क्वेश्चन है जो आपको पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको लाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे आगे अमृत महोत्सव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमृत महोत्सव जो है इस बार है जो मनाया जा रहा है 12 मार्च 2021 से 15 मार्च 2023 तक 76 सप्ताह का ये है, और यह जो साबरमती से जो शुरू किया गया था, साबरमती से है जो इसको शुरू किया गया था, और ये जो सहयोगी मंत्रालय है इसका है जो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा है जो इसको जो पूरा किया जा रहा है। आप कहीं भी देख रहे होंगे तो इस समय अमृत महोत्सव चल रहा है, भारत है जो अमृत महोत्सव की ओर बढ़ रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। सुजल अभियान, सुजल अभियान है जो ये है जो कहा जा रहा है कि इसे जो नल से जो पेयजल है उसको 24x7 माने ये देने वाला भारत का सबसे पहला शहर है कौन बना, तो है जो पुरी बना है, उड़ीसा में है दोस्तों, वो पुरी बना है। सुजल अभियान है जो उसका नाम है, 24x7 नल से पेयजल है जो देने वाला। अगर आप बोलेंगे कि कौन राज्य है जो बन गया है जो फ्री में पानी दे रहा है, तो है जो गोवा है जो बन रहा है। ऐसे आप कैच द रेन प्रोग्राम है जो भी पढ़े होंगे जल शक्ति मंत्रालय का, फिर है जो आप है जो हर घर नल का जल जो है बिहार सरकार जो है कर रही है, तो लेकिन इस तरह से उसी को लेकर है जो भारत सरकार ने भी है जो 2024 तक है जो 6.5 लाख गांवों तक है जो पहुंचाने का है जो लक्ष्य रखा है,
नल का जल अभी है जो उसकी आप कुछ दिन पहले है जो 2 लाख घरों तक है जो पहुंच चुका है, अभी है जो 6 लाख घरों तक है जो पहुंचना है। तो इस सुजल अभियान कहाँ का है दोस्तों, तो उड़ीसा का है। सुजलाम अभियान, एक सुजलाम अभियान है, सुजल एक सुजलाम है, ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत है जो यह जो सुजलाम अभियान चलाया जा रहा है। सोखता है जो 10 लाख सोखता बनाया जाएगा और उससे है जो ये जो स्वच्छता है स्वच्छता के लिए है जो काम किया जाएगा, तो है जो सुजलाम अभियान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। सौमी किसान रेल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो संगोला महाराष्ट्र टू शालीमार चला था। संगोला कहाँ से चला था, सौमी किसान रेल संगोला टू शालीमार महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल, और फर्स्ट जो चला था किसान रेल दानापुर टू देवलाली चला था दोस्तों। और किसके तहत चला है, ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू मॉडल के तहत, जिसमें 50% का अनुदान है जो इसमें दिया जाता है और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो है जो इसमें है जो बहुत बड़ी भूमिका। कृषि रेल, किसान रेल हो गया, कृषि उड़ान हो गया जो पूर्वोत्तर राज्यों से स्टार्ट किया गया, तो ये सब चीज़ है जो आपको मेंस में भी दिखने के लिए काम आएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अभी 16 दिसंबर को गुजरात के आनंद में एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है और उसमें है जो निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से जो किसानों के लिए काम करना है, हमें है जो जीरो का जीरो बेस एग्रीकल्चर पर कैसे बढ़ना है, तो उस पर है जो बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा उसमें है जो अभी 16 दिसंबर को आने आएगी और उसके बाद है जो क्या रिपोर्ट्स आता है उसके बाद है जो उस पर है जो बात करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, एक उमंग ऐप है दोस्तों, उमंग ऐप 2017 में स्टार्ट किया गया था, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू जनरेशन। ये है जो बहुत सारी जो योजनाएं हैं उस योजनाओं के एक प्लेटफॉर्म पर लाने का है जो इसमें है जो प्रयास कर किया गया है सरकार के द्वारा। इसके एक वर्जन है जो विदेशी वर्जन, मैंने एक इंटरनेशनल वर्जन भी निकाला है जो विदेश मंत्रालय के द्वारा है, जो उसपे बहुत सारी भाषाओं में उसको है जो भारत की योजनाओं के बारे में भी जानकारी है जो उसके ऊपर मिलती है। कुछ मुख्य बातें हैं दोस्तों, मुख्य बातें आज जो है इम्पोर्टेंट है क्या क्या है, तो जो इम्पोर्टेंस रहेगा दोस्तों उसी को हम ज्यादा है जो करने का प्रयास करेंगे हम। पहला है लाइट हाउस प्रोजेक्ट, लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है 6 राज्यों में 6 स्थान पर 6 प्रौद्योगिकी के माध्यम से है जो चलाया जा रहा है और यह जो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा है जो चलाया जा रहा है, कि यह जो किस तरह से ऐसा हमें घर बनाना है जिसमें है जो आपको सूरज का प्रकाश हो, बिजली का कम खपत हो, इस तरह से है जो बनाना है और इसे 6 राज्य 6 स्थान 6 प्रौद्योगिकी के आधार पर बनाया जाएगा। और आवास एवं शहरी मंत्रालय त्रिपुरा, रांची, लखनऊ, राजकोट एंड चेन्नई, हम है जो पूर्वोत्तर से चले हैं और लास्ट तक चले हैं इसलिए याद रखिएगा रांची, लखनऊ, राजकोट, चेन्नई। रतले पन बिजली योजना, यह है जो चुनाव में है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में है, रतले इंपॉर्टेंट है इसलिए, और यह जो किश्तवाड़ जिले में है जम्मू कश्मीर के। फिर है जो पटेल की 143वीं जयंती मनाई गई, फणीश्वरनाथ रेणु की 100वीं जयंती मनाई गई, जयप्रकाश नारायण की 119वीं जयंती मनाई गई, तो ये सब क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है दोस्तों, इसीलिए मैंने है जो छोटा छोटा क्वेश्चंस को इसमें ऐड करके डालने का प्रयास करेंगे। 2020 का सर्वश्रेष्ठ थाना जो था मणिपुर का थोवल, एक जगह है दोस्तों।